सरकारी स्कूल में EWS वाले छात्रों का प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन की योजना के बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे। आज की योजना है चिराग योजना। क्या है? हरियाणा में इस योजना को लागू किया गया है। यह योजना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी के लिए एडमिशन फ्री होगा। जो छात्र प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने ब्लॉक में, वह अपने ब्लॉक के लिए 31 जनवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर दें तथा अपने ब्लॉक के एडमिशन्स के लिए आपको सरकारी स्कूल से 2022 व 23 के सेशन से आपने 22 व 23 के सेशन से तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक कोई भी छात्र हो जो EWS फैमिली से बिलोंग करता हो वह प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता है। अन्य कोई इंक्वायरी है, अन्य कोई क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। EWS में एडमिशन लेने वाले उन छात्रों का सबसे पहले जो फैमिली इनकम है 1.8 लाख, मतलब 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, वह जो लास्ट SLC है सरकारी स्कूल से ही होनी चाहिए। यह हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई चिराग योजना के तहत फ्री एडमिशन कराया जाता है। वह छात्र आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उन छात्रों के लिए यह सरकार के द्वारा चलाई गई एक अहम योजना है। इस योजना में मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला के द्वारा EWS के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के तहत जो दाखिले योजना मानी जाती है उसके तहत इस योजना में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना हरियाणा में सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। मान्यता प्राप्त इस योजना सबसे पहले जो सीटें खाली होंगी विभागीय पोर्टल पर जारी की गई है। इस योजना जो सीट डिक्लेरेशन की गई है चिराग योजना के तहत वे साथी इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। 31 जनवरी से पहले आपको इस पोर्टल पर एडमिशन के लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सहमत मान्यता प्राप्त यानी जी विद्यालय की कक्षा वाइज जो सीटें हैं उनका विवरण जो पोर्टल है उसकी पोर्टल पर दिया गया है। इस स्कीम में केवल वे ही छात्र पात्र हैं जिन्होंने शैक्षणिक शिक्षा सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की है, वे अपना एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात जिनकी पिछले साल की योजना है उस योजना के तहत, मतलब 2022 व 23 में सेशन में जिन्होंने तीसरी से 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उन वे छात्र अपना इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर है वे अपना प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपके बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको 31 मार्च से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपको दी गई है और जिन विद्यालय में सीटें को दर्शाया गया है आवेदन कर सकते हैं। और ये लॉटरी का जो सिस्टम है का माध्यम 1 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य अवधि के ड्रा द्वारा निकाला जाएगा। इससे पहले अभिभावक को ड्रा निकालने सूचित फोन के द्वारा या सूचित किया जाएगा तथा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय में आवेदनों की जो तिथि है वह 1 अप्रैल 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।